हरियाणा में निजी क्षेत्र में नौकरी में 75% आरक्षण का मुद्दा अब गर्मा गया है। हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर जहां रोक लगा दी तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं इस मसले पर हरियाणा में बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर तरीके से पैरवी करेगी। जो लोग 75% रिजर्वेशन और लोकल कैंडिडेट्स को जुमला बोलते हैं, उनकी सोच स्पष्ट है कि वो हरियाणा के युवाओं के हाथ में रोजगार देखना नहीं चाहते। और ये भी सामने में लाकर दूंगा कि इन एसोसिएशनों के पीछे किन किन पॉलिटिकल लोगों का मास्टरमाइंड रहा है जो हरियाणा के युवाओं को उनके अधिकार ना मिले इसके लिए अड़चन बनेगी। मैं तो ये चीज बोल सकता हूं कि हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% रिजर्वेशन नौकरियों में दिलवाने का काम करें। और आज सुबह हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने तो बात भी रखी कि बिना सुने अपील एक्सेप्ट करी गई, स्टे किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी मेंशनिंग को एक्सेप्ट किया है और इसकी फर्दर सुनवाई के लिए मंडे को तय किया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि देश के सबसे बड़े अदालत के अंदर हरियाणा अपने अधिकार की लड़ाई भी लड़ेगा और युवाओं को जो हमारा वादा है वो पूरी तौर पर दिलवाने का काम। वहीं हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की पॉलिसी व्यवहारिक नहीं है, ये सिर्फ प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा है। हो गया बेनकाब तो उनका नहीं, बेनकाब हो गया। ये सबसे बड़ा धोखा है हरियाणा के युवाओं के साथ, ये धोखा है। 75% हम रिजर्वेशन देंगे और रेजिडेंस का सर्टिफिकेट जो है उसकी जो डोमिसाइल कहो या रेजिडेंस सर्टिफिकेट को 15 से घटाकर 5% कर दी। अगर 15 साल रखते 15 साल से घटाकर 5 साल कर दी, अगर 15 साल रखते तो मैं समझता था हरियाणा के युवाओं को फायदा होगा। 5 साल में हरियाणा के युवाओं से बड़ा भारी धोखा था, ये पहले दिन मैंने कहा था। और जैसा हाईकोर्ट में उसको डिफेंड भी नहीं कर पाए। निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरी के आरक्षण का मुद्दा बीजेपी जेजेपी गठबंधन के चुनावी वायदों में से एक रहा है, जिस पर सरकार बिल लाई और कानून भी बनाया गया। जहां हाईकोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया तो वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देखना यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में हरियाणा सरकार की जीत होती है या हार। चंडीगढ़ से अनिल मोर और रोहतक से दिनेश कौशिक, खबरें अभी तक।